मैं बदलाव होनी ही चाहिए, या फिर संविधान को तो कहिए कि दीजिए, देखिए संविधान में बदलाव आप नहीं कर सकते। अरे आप हाँ तो अपने लिए जो ना गुलामों के नियम से मुक्ति नहीं पा पा रहे हो, हाँ और सही बात ये जो राजनेता हैं ये कोई अच्छे प्राणी नहीं है, नहीं है, सही बात ये राजनेता घटिया लोग हैं जो घटिया लोगों को ही टिकट देते हैं। सही जाति, बात धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक आधार पर चयन करते हैं, और उस चयन में भी बाहुबलियों को, धनबलियों को और अपराधियों को खोजते हैं। तो ना केवल गलत व्यक्ति का चयन करते हैं, बल्कि जो है जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें धन बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, दारू बांटने जैसे हथकंडे होते हैं, जो आज के कानून में भी अपराध हैं। मतलब घटिया लोग अपराध करके जीतते हैं, आपके वोट से जीतते हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के पार्टी भेद से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। वो सफेद कुर्ता पहनकर फूल मालाएं पहन के अपने आप को बड़ा दर्शाते हैं, लेकिन ना वो शिक्षा में बड़े हैं, ना सोच में बड़े हैं, ना चिंतन में बड़े हैं, और उनमें आज, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, उनमें आज आपको अच्छा भारत देने का सोच, चिंतन व क्षमता तीनों नहीं ही है, नहीं है। नहीं है, बिल्कुल 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 इस आकलन से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल 100%। अब सवाल उठता है कि ये तो देंगे नहीं, तो आपके पास क्या विकल्प है? अच्छे लोगों को का एक संगठन हो, अच्छे लोगों देखिए, उससे जुड़े, अच्छे लोगों की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छे लोग अच्छे एक लोग जो है वो स्वयं दुष्ट हैं, जो अपने लाभ के लिए जीते हैं। अब अच्छे लोग कहाँ से लाएंगे? आपके साधु संत, सामाजिक नेता, व्यापारियों के नेता, ब्राह्मणों के नेता, दलितों के नेता, सभी दुष्ट प्राणी हैं, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, अपने महिमा मंडन के लिए जी रहे हैं। वो आपको अच्छा भारत देने की क्षमता नहीं रखते। ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं? हाँ मानते हैं। तो अब आप अच्छे बुरे के फेर में मत पड़िए। हमने एक ऐसा फार्मूला निकाला है कि ना तो आपको धरना देना होगा, ना जुलूस निकालना होगा, ना किसी का पुतला दहन करना होगा, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना पड़ेगा, किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाना होगी, आपको चक्का जाम नहीं करना होगा, रेल रोको नहीं करना होगा, आपको जंतर मंतर पर जाके धरना भी नहीं देना होगा। 9 दिन के सरल उपाय से ये बिना किसी तरीके की तकलीफ किए क्या आप अच्छा भारत चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो क्या शपथ और संकल्प लेके जो मैं कहूंगा उसे करेंगे? 10वें दिन से ये देश की चाल बदल जाएगी, 10वें दिन से देश की चाल बदल जाएगी। कोशिश तो करेंगे। तो करना ये है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसमें 6,000 से भी अधिक वीडियोज हैं, उन्हें अपनी गति और रुचि के हिसाब से देखिए। राइट, उसमें जो बात कही जा रही है वो आत्मसात करने की कोशिश करिए। यदि कहीं पे कोई शंका है और लग रहा है कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको पच नहीं रही है, तो आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप मुझे फोन लगा लीजिए। राइट, मेरे हर जो है सोशल मीडिया पे जो है मेरे मैसेज फ्लोट हो रहे हैं, तो आप कहीं पे भी क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करेंगे, चाहे यूट्यूब चैनल पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे जो है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर लिंक्डइन पे, यूट्यूब चैनल पे, सब पे जो जहां पे आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को आपने लिखा और जी टच किया, तो आप हम तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। यहाँ पर ढेर सारे मैसेज हैं, और हर मैसेज में मैंने एक लिंक दी है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, तो जब आप इसको क्लिक अच्छा करेंगे तो आपको कुटुंब ऐप को डाउनलोड करना है, और कुटुंब ऐप के डाउनलोड होते ही क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा, अच्छा अच्छा ठीक है ना? तो दूसरा काम करना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है,
अपना फोटो डालना है, अपने बारे में दो चार छह लाइन लिखी है, जिससे दूसरे सदस्य जो है जब वैसे आपसे कुटुंब करती है कुटुंब ऐप से जुड़े हुए अखिल भारतीय हिंदू रक्षा सेना कौन कौन सब है, परशुराम सेवा संघ, ये सब से जुड़े हुए हैं। तो आप जो महत्वपूर्ण और जो इसमें ज्यादा लोग हैं उनकी लिंक मुझसे शेयर करिए तो मैं भी उनसे जुड़ जाऊंगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि तो आप जो है आपकी देखिए प्रोफाइल अगर श्रीमान, आप श्रीमान अपने आप आपकी प्रोफाइल आप अनुरोध मत कीजिए, आप सुझाव दीजिए। ये अच्छा नहीं लगता है कि हम छोटे लोग, मतलब नहीं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। उम्र में आप भरे होंगे बहुत। हाँ, मैं जो है 7 साल डीजी रहने के बाद 4 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ, और अभी सोचिए, जो है मैं क्राइम फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं और 50-51 वर्षों का